लेट्स मेक किनोवा ब्रेड ऑन माय चैनल टुडे। ये ग्लूटेन फ्री है और एक एगलेस रेसिपी है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज बाय कनिका। इस रेसिपी में हम आज किनोवा से एक सॉफ्ट और यमी ब्रेड बनाएंगे, जिसे आप वैरायटी ऑफ सैंडविचेस या टोस्ट में यूज कर सकते हैं। ये एक क्विक ब्रेड है और हेल्दी है। इसमें हमने मैदा या आटे का यूज बिल्कुल भी नहीं किया है। तो जो लोग ग्लूटेन फ्री ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं ब्रेड के, ये एक बहुत ही हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। इसमें इसके रिजल्ट्स अमेजिंग है। पर पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दीजिए। सो चलिए किनोवा ब्रेड बनाना शुरू करें। किनोवा ब्रेड के लिए हमें किनोवा का फ्लार चाहिए। मैंने एक किनोवा को लिया है, जो किनोवा अपने घर में होता है उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है और उसको मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है। फिर इसके अंदर हम इसमें राइस फ्लार डालेंगे, क्योंकि इसमें ग्लूटेन नहीं है, हमें बाइंडिंग चाहिए तो हम राइस फ्लार डालते हैं। फिर इसमें मैंने पोटैटो स्टार्च डाला है, ये बहुत इजीली ऑनलाइन आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो इसमें ये स्टार्चेस डाले जाते हैं जिससे कि आपके किनोवा ब्रेड में बाइंडिंग आए, नहीं तो क्योंकि हम इसमें वीट और ग्लूटेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। अब हम इसके अंदर थोड़ी सी चीनी डालेंगे। बेसिकली हम जब भी किनोवा ब्रेड या कोई भी ग्लूटेन फ्री ब्रेड बनाते हैं, उसको हम केक के बैटर की तरह बनाते हैं, जिसमें हम एक ड्राई मिक्स बनाएंगे और एक हम वेट मिक्स बनाएंगे। तो ये ड्राई मिक्स हमारा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके हम एक साइड में रख लेंगे। आप किनोवा ब्रेड को, या जैसे मैंने ज्वार के ब्रेड में भी जो अपनी रेसिपी में बताया था कि ऑलवेज ट्रीट ग्लूटेन फ्री डोज एज योर केक डोज, आप इसमें कोई नीडिंग की हमारे को रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नीडिंग हम तब करते हैं जब हमें ग्लूटेन डेवलप करना होता है। इसमें हमें कोई भी नीडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो बस अब हमने ये देखिए, हमारा ड्राई मिक्स बिल्कुल रेडी है। अब हम अपना वेट मिक्स बनाते हैं। अब हम एक वेट मिक्स बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने टोटल वाटर पूरी रेसिपी में 380 ml के करीब यूज़ किया है। उसमें से हम अराउंड 50-60 ml वाटर इसके अंदर लेंगे, और ये वार्म वाटर है, गर्म के करीब वार्म वाटर, बहुत गर्म भी नहीं और बहुत ठंडा भी नहीं। इसके अंदर हम 1 teaspoon के करीब चीनी लेंगे, और उसके अंदर हम अपना इंस्टेंट यीस्ट डाल देंगे और उसको हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। मैंने इंस्टेंट एक्टिव यीस्ट का यूज़ किया है, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और इसको हम अब थोड़ी सी देर ब्लूम होने के लिए रखेंगे। दैट इज़ आप देखेंगे कि यीस्ट हमारी एक्टिव हो गई है और ऊपर छोटे छोटे बबल्स आ जाएंगे। तो इसको हम ढक के 5-10 minutes के लिए साइड में रख देंगे, जब तक कि ये अच्छे से वे आपके इसके अंदर बुलबुले ना आ जाए। बस अब आप देखेंगे, देखिए थोड़ी देर बाद 5 minutes बाद इसमें यीस्ट में देखिए ऊपर ये फोमी हो गई है। अब हम इसके अंदर अपना सीलियम हस्क डालेंगे। सीलियम हस्क ग्लूटेन फ्री ब्रेड्स में डाला जाता है, क्योंकि ये एक आपके ब्रेड्स को स्ट्रक्चर देता है। सीलियम हस्क ईजिली मार्केट में मिल जाता है, ये हमारे ईस्ट बोल के नाम से भी बहुत रेडिली अवेलेबल है। ये एक नेचुरल आपका फाइबर होता है, एंड ये आपके ब्रेड्स में एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर देगा। तो इसको बस अब आप हम थोड़ा सा, मैंने इसके अंदर 100 ml वाटर और डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब हम इसको थोड़ी देर 5 minutes के करीब इसको हम ऐसे ही रखेंगे, जिससे कि जो आपका सीलियम हस्क है वो थोड़ा सा आपका फूल जाए। तो देखिए इसमें मैंने टोटल 100 ml वाटर और डाला है, तो टोटल 160 ml वाटर 380 ml में से मैं इसके अंदर अब डाल चुकी हूँ। बस अब हम इसको रख देंगे और 5 मिनट बाद फिर मिलते हैं। अब देखिए ये अच्छे से हमारा फूल चुका है और एक जेली फॉर्म में आ गया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना ऑलिव ऑयल। मैंने इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1 tablespoon के करीब है, दैट इज़ 10 grams। तो इसमें हम ऑलिव ऑयल ज़्यादा नहीं डालते, बट स्टिल आई ऑलवेज़ यूज़ एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, क्योंकि ब्रेड्स में वो बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। फिर इसमें मैंने विनेगर डाला है। आपके पास अगर एप्पल साइडर विनेगर है तो आप वो डाल दीजिए, नहीं तो मेरे पास ये सिंपल इस टाइम पे वाइट विनेगर था, मैंने वो ही अपने घर में जो नॉर्मल विनेगर होता है वही डाला है। विनेगर आपके ब्रेड्स को बहुत अच्छी एक सॉफ्ट टेक्सचर देगा और एक बहुत सॉफ्ट क्रम देगा। ये एक बहुत अच्छा सीक्रेट इन्ग्रीडियंट है, जिसको आप बिल्कुल भी मिस ना करें। बस अब हम इसके अंदर अपना वाटर डाल देंगे और इसको उसको अच्छे से स्मूथ कर देंगे। मैंने तो इसमें थोड़ा सा डाल दिया, पर आपको वाटर 380 ml के करीब ही रखना है टोटल। तो उसमें से आप थोड़ा इसमें डाल दीजिए, जिससे कि एक अच्छा सॉफ्ट आपका एक मिक्सचर वाइट वेट मिक्स बन जाए।
बस जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हम ड्राई मिक्स में अपना वेट मिक्स डालेंगे, जैसे हम केक में डालते हैं। अब आप इसमें सारा अपना ये मिक्सचर को डाल दीजिए और इसको अब हम अच्छे से मिक्स करना शुरू करते हैं। मैंने एक रबर स्पैचुला की हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स करने की मिक्स करा है और देखिए इसको आप इस तरीके से फोल्ड मेथड से आप इसको अच्छे से मिक्स करते जाइए। अब हम इसमें जो बचा हुआ पानी, जितना भी हमारा वाटर बचा है, हम इसके अंदर इसको डाल देंगे और हम इसको अब फटाफट से अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ केक कंसिस्टेंसी में ले आएंगे। ये केक बैटर से थोड़ा सा थिक रहेगा, बट फिर भी जो आपका एक ब्रेड डो है उसे बहुत ढीला होगा। तो इसको देखिए, ये आप इस कंसिस्टेंसी में हमारा केक का जो ब्रेड का बैटर आ गया है, बस अब हमें मोल्ड में डालना है। इसके लिए मैंने एक ब्रेड टिन का यूज़ किया है, ये एक मेरा स्मॉल साइज ब्रेड टिन है। इसके अंदर हम बटर से इसको अच्छे से, मेल्टेड बटर है मेरे पास, उसको हम अच्छे से सारे साइड से अच्छे से ग्रीस करेंगे एक ब्रश की हेल्प से। आपको इसको बटर से ही ग्रीस करना है, आप प्लीज़ कोशिश करके इसको ऑयल से ना करें, क्योंकि बटर से ब्रेड आपका स्टिक नहीं करेगा बेक होने के बाद। ऑयल से ब्रेड कई बार स्टिक कर जाती है एंड इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू टेक इट आउट फ्रॉम दी पैन। तो आप प्लीज़ इसको अच्छे से ब्रश करिए और लिबरली इसको बटर से लगा के ब्रश करिए। आपको बटर नहीं लगाना है तो घी लगाइए, बट माई सजेशन इज ऑलवेज टू यूज बटर फॉर ग्रीसिंग दी पैन। अब हम एक पार्चमेंट पेपर लेंगे और मैंने उसके बॉटम के साइज के उसको मैंने कट कर लिया है और उसको मैंने इसमें नीचे पैन में बेस पे लगा दिया है। इसका रीज़न ये है कि जब आप पैन से ब्रेड को बाहर निकालेंगे बेक होने के बाद, तो वो एक इंश्योरेंस है कि ब्रेड हमेशा बाहर आ जाएगी। और उसके ऊपर भी मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है। ये एक फुल प्रूफ मेथड है, आपके ब्रेड हमेशा पैन से डीमोल्ड हो जाएगी बेक होने के बाद। अब हम ये अपना बैटर इसके अंदर डाल देंगे केक पैन के अंदर। ये एक आपका अच्छा सा, देखिए केक बैटर की तरह ही लग रहा है और ये एक डो की तरह नहीं है। बस अब हम इसके अंदर डाल के इसको स्मूदन आउट कर देंगे ऊपर एक स्पैचुला की हेल्प से, और इसको अब हम फिर प्रूफ होने के लिए रखेंगे एक पॉलीथीन के अंदर। मैंने इसके लिए एक मॉइस्ट और ह्यूमिड एनवायरनमेंट बनाने के लिए इसको मैं एक पॉलीथीन के अंदर रख रही हूँ, जो एक लूज है, जिससे कि अगर ब्रेड जब राइज होगी तो वो उसके अंदर चिपकेगी नहीं। कई बार क्या होता है कि पैन छोटा होता है और ब्रेड अगर पैन से ऊपर आ गई है तो वो चिपकने का डर लगता है। तो हमें इसको प्रूफ करना है, दैट इज़ इसको डबल इन साइज होने तक हम उसको एक इसके अंदर रखेंगे, जिससे कि डबल इन साइज हो जाए और फिर हम इसको बेक करेंगे। अब इतने ब्रेड प्रूफ हो रही हैं, हम ओवन को प्रीहीट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लोअर नीचे से एक ऊपर रैक पे रखा है और एक सबसे लोएस्ट रैक पे मैंने एक बेकिंग ट्रे को भी रख दिया है साथ में प्रीहीट होने के लिए। इससे क्या होगा कि वो हीट प्रीहीट होगा और हम ब्रेड बेक करने के टाइम हम उसमें स्टीम इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। अब देखिए हमारा ये अच्छे से प्रूफ हो गया है और ये ऑलमोस्ट डबल इन साइज हो गया है। आपको ब्रेड को ओवर प्रूफ बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ डबल इन साइज होने तक ही उसको रखना है, जिससे कि नहीं तो क्या होगा कि जब आप ओवर प्रूफ ब्रेड को बेक करते हैं तो वो डिफ्लेट हो जाती है। तो बस अब हम इसमें देखिए मैंने मिल्क लिया है, मिल्क को बहुत ही हल्के हाथों से, हल्के ब्रश से हम इसके ऊपर थोड़ा सा ब्रश करेंगे। मिल्क आपके ब्रेड को एक मॉइस्ट ऊपर का वो रखता है, जिससे कि ओवन में बहुत अच्छा राइज आता है ब्रेड, क्योंकि जितना टॉप उस पर मॉइस्ट रहता है ओवन में राइज आएगा। और सेकंड बेनिफिट मिल्क लगाने का है कि ऊपर से हल्के से ब्राउनिंग इसके ऊपर हो जाएगी, जिससे कि एक अच्छा सा ऊपर से ब्राउन कोटिंग आएगी, जो एक बहुत सुंदर ब्रेड में टेक्स्चर लगता है। तो इसीलिए हम इसमें मिल्क लगाते हैं। अगर आप इसको वीगन बना रही हैं तो आप इसके ऊपर पानी से भी कर सकते हैं, आप सिंपल पानी लेके उसके ऊपर इस तरीके से ब्रश से लगा दीजिए। अब मैंने ब्लैक और वाइट सेसमे सीड्स लिए हैं और इसके ऊपर मैंने लगा दें, ये ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप ना लगाएं, बट ये एक सुंदर ब्रेड में अच्छा ऊपर टेक्स्चर देता है और बहुत सुंदर लगता है, और तेल आपके लिए हेल्दी भी होते हैं। तो इस तरीके से हम ऊपर इसको रख देंगे और अब हम इसको बेक करेंगे। अब हम इसको बेक करेंगे एट 220 डिग्री सेल्सियस फॉर 25 मिनट्स। देखिए मैंने इसको लोअर थर्ड रैक पे इसको रख दिया है,
और मैंने ये जो आपका जो लोएस्ट जो आपका बेकिंग ट्रे है जिसको मैंने इसके साथ प्रीहीट किया था उस पे हम डालेंगे हॉट बॉइलिंग वाटर। थोड़ा सा हम इसके अंदर हॉट बॉइलिंग वाटर डाल देंगे जिससे कि ओवन में बहुत अच्छी स्टीम जनरेट होगी और फिर हमारी ब्रेड में अच्छा राइज आएगा। बस अब आप इसको बंद कर दीजिए एंड 220 डिग्री सेल्सियस में बोथ रॉड्स ऑन के साथ 25 मिनट के लिए आप इसको बेक कीजिए। फिर आप इसको टेम्परेचर को रिड्यूस कर दीजिए 200 डिग्री सेल्सियस पे, दैट इज़ 200 डिग्री सेल्सियस पे, एंड देन बेक फॉर अनदर 5 मिनट्स, दैट इज़ टोटल 30 मिनट्स में ये आपकी ब्रेड बहुत अच्छे से बेक हो जाएगी। बट येस, एवरी ओवन इज़ डिफरेंट, सो प्लीज़ आप एक बार अपने ओवन में चेक कर लीजिए, जब आप ऊपर से इसको टैप करेंगे तो वो हॉलो साउंड करनी चाहिए। बस अब हम इसको अब निकाल लेंगे और हम एक कूलिंग रैक पे इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। बट पहले हम गरम ब्रेड पे ही ऊपर मेल्टेड बटर से थोड़ा इसको ब्रश कर देंगे, ये आपके जो ऊपर का टॉप कोट है ये इसको थोड़ा सॉफ्ट रखेगा और बहुत अच्छा लगेगा। बस बटर लगाने के बाद हम एक नाइफ लेंगे और ब्रेड टिन के सारे साइड्स पे उसको अच्छे से चला लेंगे, जिससे कि कोई भी हम मेक श्योर करेंगे कि ब्रेड कहीं से स्टिक ना हो, और हम गरम ब्रेड को ही गरम टिन से इमीडिएटली डीमोल्ड कर लेंगे और फिर हम उसको कूलिंग रैक पे कूल होने के लिए रखेंगे। ये हम इसलिए करते हैं जिससे कि ब्रेड अगर ब्रेड टिन में ही गरम पड़ी रहेगी तो वो एक सॉगी ब्रेड बन जाएगी। बस इसको इस तरीके से हम निकाल के रख लेंगे। अब हम एक वेट मसलिन क्लॉथ, जैसे देखिए मेरे पास ये एक मसलिन क्लॉथ है, इसको मैंने गीला करके निचोड़ लिया है और ये बिल्कुल लाइट डैम्प है, और इसको हम इस तरीके से ब्रेड पर रैप कर देंगे और फिर हम इसको ठंडा होने के लिए रखेंगे। इससे ब्रेड हमेशा मॉइस्ट रहती है और ड्राई आउट नहीं होगी। और आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि गर्म ब्रेड को कभी भी कट नहीं करना है, जब ब्रेड बिल्कुल ठंडी हो जाए आप तभी ब्रेड को स्लाइस करें, नहीं तो ब्रेड अंदर से, क्योंकि जब गर्म होती है तो ब्रेड की कुकिंग अंदर से अभी भी चल रही होती है, तो हम इसको अगर स्लाइस करेंगे तो वो अंदर से कई बार गमी ब्रेड निकलती है, तो इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आप ठंडे ब्रेड को ही स्लाइस करें। आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिए और मज़ा उठाइए इस हेल्दी ग्लूटेन फ्री एगलेस ब्रेड का। तो बस फिर मिलते हैं हम नई रेसिपी में। सी यू, बाय बाय।